नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम नवनीत जी अहमद। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जो है एक लेटर जारी किया गया है और यह पत्र दोस्तों अनुपूरक पुष्टाहार के बजट संबंधी है, यानी कि पुष्टाहार के लिए बजट आवंटन संबंधी यह सूचना जारी हुई है। महावीर प्रसाद गौतम का यह पत्र है और बाल विकास पुष्टाहार विभाग को भेजा गया है। इसमें देखिए लिखा क्या है, अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत जो है बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पोषाहार में जो है धनराशि जो होती थी उसकी वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है वित्तीय स्वीकृति में क्या क्या है। 11 जुलाई 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत 2022-23 में पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत जो है जो पैसा खर्च होगा उसकी वित्तीय स्वीकृति जो है राज्य सरकार के स्तर से दे दी गई है। यानी कि जो है आपको बता दें, इसमें लिखा है कि आपको बता दें केंद्रांश का आपको देख सकते हैं और राज्यांश का दोनों का हिस्सा लिखा हुआ है कि सापेक्ष जो है अनुपूरक पुष्टाहार हेतु प्रथम त्रैमास के लिए संभावित व्यय के दृष्टिगत केंद्रांश की प्रत्याशा में धनराशि जो है आपको बता दें 7,53,40,00,000 की वित्तीय स्वीकृति जो है निर्गत हो चुकी है और बाकी ये पैसा जो है योजनाओं पर ही खर्च किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं दिशा निर्देश हैं, जैसा कि हर बार होते कोई खास दिशा निर्देश नहीं है और प्रश्नगत योजनाओं पर ही ये खर्च होंगे। महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव है, इनका ये पत्र है और स्पष्ट तौर पर इसमें लिखा हुआ है। और कुछ दिशा निर्देश हैं आपको बता दें, राज्यपाल महोदय ने इसको जो है स्वीकृति दे दी है। अब मुक्त धनराशि का आयरन एवं व्यय आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। और कुल मिलाकर पुष्टाहार योजना के लिए जो आप कह रहे थे ना कि आपके यहाँ आ नहीं रहा है या फिर दिक्कत हो रही है, तो उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए पैसा जारी होता है ताकि जो है समय से पुष्टाहार का आवंटन होता रहे, योजनाएँ जो चल रही हैं वो योजनाएँ चलती रहें। इसी कारण से बजट दिया जाता है और केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग हिस्से में बजट देती है। तो इस तरीके से जो है राज्य सरकार का हिस्सा जो है जारी हो चुका है। और एक बड़ी खबर जो है कहीं ना कहीं ये है, इससे क्या होगा, किसी प्रकार से पुष्टाहार में अब दिक्कत नहीं आएगी। और ये हर बार होता है, हर बार जारी होता है, क्योंकि अगर बजट ही जारी नहीं होगा तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएँ ठप हो जाएंगी और पुष्टाहार जैसी योजना भी जो है ठंडे बस्ते में डल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बजट जारी हो गया, ये बड़ी खबर थी जो आपने जानी। चलिए दूसरी खबर जानते हैं। अब देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर में भी आंगनबाड़ी कर्मियों का आक्रोश फूट चुका है। यहाँ पर जो है डूंगरपुर जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा और सहायिकाओं ने जो है मार्च माह से पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है, यह आरोप लगाया। कर्मचारियों को राज्य सरकार से मिलने वाला मानदेय तो मिल रहा है लेकिन केंद्र सरकार के हिस्से का मानदेय उनको नहीं मिल रहा है। आरोप लगाया गया है कि कुल 3572 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा और सहायिकाओं को मानदेय की 1,60,74,000 राशि का इंतजार है। बकाया मानदेय को लेकर जो है ये तस्वीर आप देख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय नहीं भुगतान हो रहा है, इसके कारण से प्रदर्शन किया गया है। यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार का पैसा तो आ रहा है लेकिन केंद्र सरकार का पैसा नहीं आ रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थिति है, कहीं पर राज्य सरकार का तो कहीं पर केंद्र सरकार का रुका हुआ है। अब इसके बारे में कौन जानकारी देगा, क्यों रुका हुआ है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन हकीकत यही है, उत्तर प्रदेश में देखिए कि राज्य सरकार का आरोप लगाया जा रहा है कि मानदेय नहीं दिया जा रहा 5-5, 6-6 महीने से, तो वहीं राजस्थान में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का मानदेय नहीं आ रहा है मार्च से। तो ये सिचुएशन है, बाकी जो राजस्थान से देख रहे हैं वो कमेंट में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब देखिए किस तरीके से कार्रवाई की खबर आ रही है यूपी के बलरामपुर से। खबर है कि बाल विकास परियोजना शहर के खलवा उत्तरी द्वितीय केंद्र में समायोजन में खेल सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी हरकत में आए, नियमों को दरकिनार कर यहाँ गलत तरीके से समायोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा को जो है CDPO ने नोटिस जारी किया। इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहर छोड़ने को तैयार नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का फरमान भी जारी किया गया। और इस मामले पर आपको बता दें, और मेरिट ना होने के बावजूद भी जो है हरैया सतघरवा ब्लॉक के गोगौली कला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा को समायोजित कर दिया गया। तो ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं किस तरीके से जो है लापरवाही हुई। और CDPO शिवानी दुबे ने मुख्य सेवका ज्ञानवती मिश्रा को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सभी अभिलेखों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत होने के जो है निर्देश दिए। CDPO ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया गया है, शीघ्र ही उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामले का निस्तारण भी करा दिया जाएगा। अब देखिए, राजस्थान के जयपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यहाँ पर पुष्टाहार की एक नई व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। इसी संबंध में देखिए, महिला एवं बाल विकास शासन सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में महिला अधिकारिता निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक
पोषण आहार आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक में राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत प्रभारी उपनिदेशकों को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी के चलते लाभार्थियों को घरों पर गेहूं, चावल, दाल के रूप में पैकेट दिए जा रहे थे। ये व्यवस्था टेम्परेरी थी। अब राज्य में क्या होगा, गुणवत्ता युक्त पोषण आहार की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है। तो राजस्थान, ये पूरे राजस्थान से खबर है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जयपुर से ही अकेली, राजस्थान पूरे आपको बता दें राज्य में ये इम्प्लीमेंट होगी। निर्देश दिए गए हैं कि पूर्ण मात्रा और गुणवत्ता युक्त पोषण आहार लाभार्थियों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाए। नई व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। और निदेशक ICDS राम अवतार मीणा ने बताया कि गुणवत्ता युक्त पोषण आहार वितरण के लिए विभाग के अन्य विषयों पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई है, जैसे आंगनबाड़ी के बच्चों की संख्या बढ़ाना, समय पर संचालित हो विद्यालय और सुव्यवस्थित चलाया जाए, आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों का चयन, मानदेय कर्मियों के मानदेय का भुगतान, आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों का प्रशिक्षण, केंद्रों का किराया, शाला पूर्व शिक्षा, पूरक पोषण आहार वितरण, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत कनेक्शन और आदि जो है प्रकरणों की भी समीक्षा की गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो है राजस्थान में एक बदली व्यवस्था देखने को मिलने वाली है। अब क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से अब जो है कुछ टार की सप्लाई की जाएगी, वितरण किया जाएगा, वो तो भविष्य में जो है शासन फैसला करेगा। इसके बारे में जैसे ही अपडेट आती है वो चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। अब एक खबर और आपको जाते जाते अंतिम बता देते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को कई महीनों से मानदेय और खर्च नहीं मिल रहे हैं, और विभाग के अधिकारियों ने यह बकाया राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने या ऐसा आश्वासन देने की बजाय आदेश जारी कर दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने बकाया मानदेय की मांग न करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में सैनिटरी नैपकिन बेचने से लेकर गर्भवती शिशुओं की सेहत का ध्यान रखने वाली मुख्य जिम्मेदारी निभाने के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में भागीदारी करनी पड़ती है। इसकी वजह से यह आपको बता दें, इसके बावजूद भी जो है उनको समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, और इसी कारण से देखिए अब राज्य में लागू नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो है पेमेंट यानी कि मानदेय समय पर नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए एक लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हल्द्वानी शहर नैनीताल का है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अवगत कराना है कि समय समय पर अपनी आपकी समस्याओं को, जैसे भवन किराया, मानदेय समय पर ना मिलने आदि के संबंध में जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी को अपनी शिकायतें प्रेषित की जा रही हैं। उक्त क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आप क्षेत्रीय सुपरवाइजर अथवा हस्ताक्षरी कोई अपनी शिकायतें प्रेषित करेंगी। यदि आपके द्वारा इस पर अमल न किया गया तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु बात होना होगा। तो ये भी आदेश जारी करते हैं, यानी कि अपनी समस्या आप जो है ऊपर उच्च अधिकारी तक नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर कोई बात है तो अपनी सुपरवाइजर से कहिए, बस इससे ऊपर आप शिकायत ना करें, वरना जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी। ये लेटर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के हालात हैं उत्तराखंड में। और आपको बता दें तो अप्रैल से बताया जा रहा है कि मानदेय नहीं मिला है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दो भागों मानदेय दिया जाता है, जिसमें कार्यकर्ताओं को 9300 मानदेय और जिसमें 4500 रुपये केंद्र और 4800 रुपये राज्य सरकार देती है, और सहायिका को 6250 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। इस सिचुएशन, इसके अलावा भवन का किराया और राशन का भुगतान करना भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ही जिम्मेदारी है। इसके लिए जो है उन्हें विभाग की ओर से भुगतान किया जाता है। समय पर भुगतान ना होने के कारण जो है जमीन सर जहाँ पर केंद्र चल रहा है वो है वहाँ पर भी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, 29 जून को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर एक दिवसीय जो है प्रदर्शन भी किया था। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा था, 9 सूत्रीय मांग आप देख रहे हैं। इन मांगों को लेकर जो है समस्याएँ भेजी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। अब कहा जा रहा है कि भाई लेटर हमने आपको दिखाया, ये कहा जा रहा है कि अपनी समस्या से पॉसिबल सुपरवाइजर तक रखें, प्रदर्शन किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ ही जो है किसी प्रकार से उच्च अधिकारियों तक सूचना नहीं पहुंचनी चाहिए। लिखा हुआ है 4 जुलाई का आदेश, जिसमें क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है जारी किया गया, और कहा है किसी भी जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि को जो है अपनी शिकायत प्रेषित जो आपके द्वारा की जा रही है वो ना की जाए, वरना जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो समझ सकते हैं, इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेकी ने हल्द्वानी के बाल विकास परियोजना अधिकारी के पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि उनके द्वारा लिखित पत्रों से आदेश हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर के सामने ही अपनी बात रखे। सवाल यह है कि क्या परियोजना में सुपरवाइजर को पता नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कब से नहीं आया? क्या परियोजना अधिकारी को मालूम नहीं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भवन किराया न मिलने से परेशान है? तो इस तरीके से हालात उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे हम, उत्तराखंड जो पड़ोसी राज्य, वहाँ पर भी इतनी बुरी स्थिति है समझा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे आदेश जो है जारी किए जा रहे हैं जिसका विरोध हो रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे आदेश जारी करना कहाँ तक सही है, कमेंट में बताइए। और इसी के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हर काम का अपडेट इसी तरीके से मिलती रहे। ठीक है, नमस्कार।